चाहते हैं कि स्टडी आई क्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आई क्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे नमस्कार दोस्तों आप सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत का जब से कैंपेन लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो सेटअप किया जाए इसी को देखते हुए काफ़ी बड़ी स्कीम मैं कहूँगा कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम तो ये जो पी स्कीम है इसका मतलब क्या है बेसिकली और इसके थ्रू क्यों बोला जा रहा है कि साढ़े ग्यारह लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सकता है इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर मेरे लेक्चर की हर पी आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाई सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल और अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आईक्यूला है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं आपका फर्स्ट ऑफ अगस्त को हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी उनके द्वारा ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया और उन्होंने यहाँ पर बताया कि साढ़े ग्यारह लाख करोड़ का हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट आ सकता है और बारह लाख यहां पर नौकरियां और ज्यादा दी जा सकती हैं तो आपको पता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए कि चाइना और पूरे विश्व के साथ जो पूरा कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्लांट्स को चाइना से शिफ्ट कर कर अलग अलग देश ले जाना चाहते हैं स्पेशली जो बड़े ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जाइंट्स हैं जैसे कि सैमसंग हो गया पैगाट्रॉन हो गया फ्लैक्स फैक्सकॉन आपको पता है जो एप्पल को कई सारे जो पार्ट्स हैं वो सप्लाई करती है तो ये सभी जो है अपना सेटअप भारत की तरफ भी अग्रसर कर रहे हैं यहाँ पर भी मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं तो ऑलरेडी इनका जो टॉक्स है हमारे मिनिस्ट्री के साथ वो ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस में चल रहा है और जल्द ही यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो प्रोडक्शन लिंक् इंसेंटिव स्कीम है इसके थ्रू यहाँ पर जो भी उनको बेनिफिट दिया जाएगा और वो अपने प्लांट्स को भारत के अंदर सेटअप कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो पी स्कीम की हम बात कर रहे हैं ये है क्या बेसिकली तो यहाँ पर सरकार ने बेसिकली क्या किया है कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं ग्लोबल कंपनीज हैं उनको बोला है कि आपको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर ऑफर देंगे करीब फोर टू सिक्स परसेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ और इसके थ्रू यहाँ पर जो भी मोबाइल मैनुफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स जो बनाते हैं चाहे मोबाइल के हों या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हों जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गया डायोड्स हो गए रेसिस्टर्स हो गया इस तरह की जितने भी कॉम्पोनेंट हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बनाती हैं मैनुफैक्चरिंग करती हैं उनको यहाँ पर चार से छः परसेंट के बीच में इंसेंटिव दिया जाएगा अब ये दिया कैसे जाएगा तो यहाँ पर इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है एक है आपका जो ग्लोबल कंपनीज हैं बाहर की कंपनीज हैं उनके लिए और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी ऑफर है तो बाहर की कंपनीज को ये बोला गया है कि आप जो भी मोबाइल फोन सेल करते हो जिसकी कीमत पंद्रह से ऊपर की आती है उस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो भी आपका कॉस्ट होता है उस पर हम आपको छः परसेंट तक का यहाँ पर बेनिफिट देंगे अब मैं आगे आपको वैसे बताऊँगा कि ये छः परसेंट का बेनिफिट किस चीज़ पे मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर भी आपको जानना चाहिए तो पहले तो आप ये चीज़ याद रखिए कि जो भी कॉस्टिंग है उनकी उसके ऊपर सरकार उनको कुछ बेनिफिट देगी ताकि उनका कॉस्ट कम हो सके और वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग करें मोबाइल फ़ोन्स की तो एक तो ये ग्लोबल कंपनीज के लिए है और दूसरा हमारे देश के भी जो कंपनीज हैं ऐसा ना हो कि सारा बेनिफिट्स उन्हीं को ही चला जाए तो हमारे देश के लिए जो कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पर 200 करोड़ तक का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कंपनीज़ हैं हमारे देश में वो 200 करोड़ तक का फ़ायदा उठा सकते हैं सेम कैटेगरी में मतलब कि अगर वो मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं जिनकी वैल्यू पंद्रह हज़ार से ज़्यादा की है तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि एक तरफ यहां पर सरकार चाह रही है कि जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में आ सके और दूसरी तरफ जो हमारे डोमेस्टिक मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं मेकर्स हैं उनको यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल सके फिर यहां पर बात आती है कि इसको यहां पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो ऑब्वियसली बात है ध्यान रखिएगा सिर्फ मोबाइल कंपनीज नहीं यहां पर जितने भी ऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि भारत में रजिस्टर्ड हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको अपने यूनिट को रजिस्टर कराना होगा भारत के अंदर तभी जाकर वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो जो बेनिफिट हैं वो अपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लांट उन्होंने सेटअप किया है उसके ऊपर भी या फिर जो वो नया प्लांट लगाएंगे भारत के अंदर उसके ऊपर भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पर ऐसा स्कीम में बताया जा रहा है इसका टेन्योर कब तक होगा मतलब सरकार ये बेनिफिट जो है इंसेंटिव है कब तक देगी तो ये बेनिफिट सरकार कह रही है हम पाँच साल तक देंगे और इसका जो बेस ईयर होगा वो दो हजार -20 तक होगा इसका मतलब दो हजार तक सरकार यहाँ पर इसका बेनिफिट देने वाली है अब ये इंसेंटिव दिया कैसे जाएगा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा तो जो पूरा पैकेज है इंसेंटिव देंगे, देंगे वो मैक्सिमम लिमिट हमारी होगी फाइव करोड़ फिर सेकेंड ईयर में इसको बढ़ाया जाएगा एट करोड़ फिर थर्ड ईयर में और थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाएगा एट करोड़ यहां पर फोर्थ ईयर में सबसे ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा करीब इलेवन थाउंड बेनिफिट दिया जाएगा अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो मैं तब से से की बात कर रहा हूं ये किस चीज पर दिया जाएगा तो पहली चीज याद रखिएगा जो भी उनका कॉस्ट आता है मोबाइल के ऊपर उस पर उनको चार से छह परसेंट का बेनिफिट होगा लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं कि कोई कंपनी है जो कि पंद्रह हज़ार से ऊपर का मोबाइल सेल करती है फॉर सपोज मैं कहता हूं उनको यहां पर दस हज़ार का कॉस्ट आता है और वो पंद्रह हज़ार में उसको बेच देते हैं तो ये जो दस हज़ार का कॉस्ट है इसमें आपके सभी कॉस्ट इंक्लूड होते हैं आई होप कि आप सबको पता होगा जैसे कि आ, उसमें कितना लेबर का कॉस्ट लगा रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट लगा और जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जैसे कि आपने लैंड के बारे में सुना होगा बिल्डिंग्स जो होती हैं ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इसका भी तो खर्चा आएगा लैंड लैंड भी तो खरीदेंगे तो ये जितना भी कॉस्ट आता है बेसिकली と उसमें आपको याद रखना है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे कि लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया इन सब के ऊपर यहाँ पर इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा जो बाकी के एडिशनल एक्सपेंडिचर हैं जैसे कि प्लांट हो गया मशीनरीज हो गई इक्विपमेंट्स हो गए रिसर्च और डेवलपमेंट हो गया जो भी ट्रांसफर की जा रही है टेक्नोलॉजी उस पर जो खर्चा आ रहा है जैसे कि हमारी इंडियन कंपनी है और वो बाहर से कोई टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कराती है उसके ऊपर जो खर्चा आता है इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा जो लैंड और बिल्डिंग के ऊपर जो कॉस्ट इनकर किया जाएगा के द्वारा उसके ऊपर सरकार इंसेंटिव नहीं देगी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये आपके एग्जाम में आ सकता है अब यहां पर ये यह जो पूरा स्कीम है कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा तो यहां पर सरकार का कहना है कि हम एक नोडल एजेंसी बनाएंगे जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की तरह काम करेगी मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी सेक्रेटरियल है मतलब एक जगह होना चाहिए प्रॉपर इसको देखेगा कौन इंप्लीमेंट कौन करेगा इन uh, कंपनीज को सपोर्ट कौन देगा ये सभी यहां पर एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी जिसके थ्रू यहां पर कंपनीज को सपोर्ट दिया जाएगा अब यहां पर बात आती है कि क्या कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है जी हाँ बिल्कुल पहले के जो स्कीम थे, थे उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था लेकिन अभी का जो है यहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं स्पेशली आप देख सकते हैं साउथ कोरिया की सैमसंग हो गया ताइवान का है सिंगापुर का फ्लैक्स हो गया ये ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस में है भारत सरकार के साथ डिस्कशन में और जल्द ही यहां पर एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो सकता है इसके अलावा भी देखिए तो जो एलजी LG इंडिया इनके ऑलरेडी प्लांट्स हैं हमारे देश के अंदर वो फर्दर इसको मजबूत करना चाहते हैं और ज्यादा फैलाना चाहते हैं और इसके अलावा भी हमारे देश के जो बजट कैटेगरी फोन सेगमेंट्स हैं जैसे कि लावा डिक्सन कार्बन ये सारे भी यहां पर अप्लाई कर चुके हैं और ओवरऑल टोटल मैं बता दूं अभी तक ऑलरेडी 22 कंपनीज ने यहां पर रजिस्टर कर दिया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ठीक है दैट इज योर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर ध्यान रखिएगा और इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि इतने ज्यादा कंपनीज आएंगी तो उनका यह मानना है कि करीब साढ़े ग्यारह लाख करोड़ तक का हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट आ सकता है और बारह लाख यहां पर नौकरियाँ दी जाएंगी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ऐसा हमारे आई मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का कहना है आई होप दोस्तों ये जो स्कीम था इसके बारे में डिटेल आपको पता लग गई होगी अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप स्टडी आई आप जा सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए पर मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूं आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो हूं। मिलता हूं आपसे